नमस्कार, आपनो हार्दिक स्वागत छे एज्युकेशन गुजराती चेनल में। आज आप धोरण आठ में स्टैंडर्ड आठ में मैथ्स विषय चेप्टर नौ में पार्ट चौथो जो आप थीअरी ने लगता है। वीडियो में आप थीअरी लगता पॉइंट आप क्लियर करशू। अगाउ पेलो पार्ट है ये थीअरी ना, तो एने आधारित आप बीजो ने तीजो दाखला सीखा। हाँ, चौथा पार्ट थीअरी ने आधार आप सूत्र से एना पर आप दाखलाओ आग सीखीशू। तो 9.6 में कहे कि बेजी पदावली गुणाकार की प्रस्तावना में पहलो पॉइंट है आप बिंदुओनी भात और कुल बिंदुओनी संख्या। टूंक में एम कहवा माँगे कि आम 9 बिंदुनी रो है, एवी के रो है कि 4, तो 9 4 36, तो आ बिंदु के 36। आ तब जो तो के रो में 7 बिंदु है, एना के रो है कुल 5 रो है, 5 7 35 बिंदु थी। एज रीतना आप एम अने एन जो गुणाकार करता तेमज एम प्लस 2 अने एन प्लस 3 एनो गुणाकार करता आप शीखीशू। तो रीतना आप पॉइंट वाइज जो तो सौथी पहला आप गुणाकार शीखवा बराबर। त्यारबाद एक पदी एक पदी साथ गुणाकार, बे पदी बे पदी साथ गुणाकार। आप एक उदाहरण तरीके लीए, हम एक पदी एक पदी साथ गुणाकार एक्स गुणिया 3y के एक्स गुणिया 3 बराबर एक्स गुणिया 3 गुणिया वाय 3xy ने कही सकी। हमें आप एक पदी एक पदी आ रहे पी बे पदी बे पदी आ रहे एजना उदाहरण ए पाचे तुम जो आम कही सको 5 3 15 15 एक्स ने वाय थिया जवाब सीधो 5 3 15 -15 था से कहवा -15 xy मड़ी गयो। पची आ 5 4 20 तो 20 मड़ी गया। आ एक्स की एक घात है, हवे जोवानो नियम है आ एक्स की एक घात है गुणाकार में एक्स की बे घात है। आधार सरखो गुणाकार की निशानी घात नो थशे सरवाळो 1 + 2 एटले एक्स की थी जाए 3 घात एटले के 5 4 20 अने एक्स की 3 घात थी गई। एज रीतना 5 4 20 पर कहवा बे में एक माइनस एट -20 थी गया। पची एक्स की एक घात अँ एक घात अँ ए बे घात ए थी गई एक्स की बे घात ने वाई जेड थे बराबर। त्यारबाद पॉइंट है कि 3 के वधु एक पदी गुणाकार। हवे आ तमे जो छो के 2x × 5y × 7z तो आम 2x × 5y एट्ले के 5 2 10xy थी गया गुणिया 7z एट 10 7 70 xyz थी गया। एज रीतना आ सीधो चलो जवाब जो तो तब तो जो 6 5 तो के 30 30 × 4 एट के 30 × 4 एट आ रीतना 4 3 12 पाछा लगाड़ मीडू एट 120 आ गया सीधा। हम एक्स की केटली घात है 1 अँ 2 ने 3 3 घात थी गई 3 ने 3 6 घात एक्स की 6 घात थी गई। पची वाई की केटली है अँ 1 अँ 3 ने 3 6 तो वाई की 6 घात थी जाए जवाब मड़ी गया तुमने। आ क्लियर करने बाकी आ गुणाकार में तमने लगता आवड़ेज है कम्प्लीट आ रीतना। आ तमारे कई रीतना चेक करवो एज रीतना प्रयत्न करवाना दाखला आप पास एक उदाहरण 3 में आपूँ कि नीचेना कोष्टक में लंबचोरस माटे आपेली लंबाई और पोहाई माप परती लंबचोरस क्षेत्रफल गोतवानुं छे। हवे लंबचोरस क्षेत्रफल सूत्र आपणे आगळ शीखी गया छे लंबचोरस क्षेत्रफल बराबर थशे लंबाई गुणिया पोहाई। आ लंबचोरस क्षेत्रफल सूत्र छे लंबाई गुणिया पोहाई। लंबाई में शुं आप्युं छे के 3x पोहाई में शू आयु 5y तो 5 3 15 xy थी गया एनु क्षेत्रफल। एज रीतना 9 4 36 36 अने अहीं वाय नो 1 घात है अँ वाई 2 घात एट वाई नो घन थे। अँ 5 4 20 20 ए पछी बी नो वर्ग ने सी कारण के एनी 1 घात है बीनी 2 घात थी जाए अने सीनी 1 घात। पछी 2 3 6 एल 3 घात एम नी 3 घात कारण के शू है गुणाकार से आधार सरखो अँ कहीं नहीं 1 है घात सरवाड़ो थे 1 + 2 एट के 3 घात।
એજ રીતના ઉદાહરણ નંબર 4 આપ્યું છે નીચેના કોષ્ટકનું લંબઘન માટે આપેલી લંબાઈ પહોળાઈ અને ઊંચાઈના માપ પરથી લંબઘનનું ઘનફળ શોધવાનું હવે લંબઘનનું ઘનફળનું સૂત્ર લંબઘનના ઘનફળ એનું સૂત્ર છે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ એટલે કે L ગુણ્યા B ગુણ્યા H એ આપણે શીખી ગયા છે આ ત્રણે ત્રણનો ગુણાકાર કરવાનો છે તમે જુઓ 2 2 3 6 6 5 30 30 પછી A કેટલી છે ઘાત તો કે 1 ઘાત છે તો A B ની 1 ઘાત છે C ની 1 ઘાત છે અને XYZ બરાબર 30 ABC XYZ આવી ગયા એ જ રીતના બીજામાં તમે જુઓ તો M ની અહીંયા 1 ઘાત છે આ કાઈ ના હોય 1 1 ઘાત તો હોય જ પછી M ની કેટલી થશે તમે જુઓ 2 વત્તા 1 ઘાત એટલે કે 3 ઘાત થઈ ગઈ M ની કેટલી છે તો 3 ઘાત થશે N ની 3 ઘાત થશે P ની કેટલી આવે P ની 3 ઘાત થશે તો જવાબ આપણે મળી ગયો સીધો એ જ રીતના તમે જુઓ 8 4 32 32 2 64 64 Q ની કેટલી ઘાત થશે અહીં 1 છે 2 ને 1 3 3 ને 3 6 તો 64 Q ની 6 ઘાત થશે એમ ઘનફળ આપણે મળી ગયું તો આ રીતના આપણે સરળતાથી જો સૂત્ર આવડતા હોય તો એની ઉપરથી આપણે દાખલાના જવાબ પ્રોપર રીતના મેળવી શકીએ અને ચેક કરી શકીએ કે સાચા છે કે નહીં તો આ તો આપણે એનો પાર્ટ ચોથાનું સોલ્યુશન જોતા રહો એજ્યુકેશન ગુજરાત ચેનલ શીખતા રહો થેન્ક યુ આભાર